क्यों भाई, चाय की टपरी में गप्पे लड़ाने में बहुत मजा आ रहा है ना। पब में, वीडियो गेम पार्लर में, दोस्तों के साथ है मस्ती करने में, टाइम पास करने में बड़ा मजा आ रहा है। स्कूटी स्टार्ट करके सीधे पहुंच जाओ। जो ये टाइम, जो ये वक्त अभी आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना चाय की टपरी में, पब में, गप्पे लड़ाने में, फालतू की बात करने में अपने दोस्तों के साथ, ये वक्त वापस नहीं आएगा। आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद जब अपने दोस्तों को प्रोग्रेस करते हुए, घर बनाते हुए, गाड़ी खरीदते हुए, मकान बनाते हुए देखोगे ना, तब ऐसा लगेगा कि यार मैंने अपनी जिंदगी में क्या किया, इतना टाइम कैसे वेस्ट कर दिया, कहां वेस्ट कर दिया। यही इसी जगह पे वेस्ट कर रहे हो आप ये टाइम को। ये जो दोस्त है ना, दोस्त एक ऐसा सर्कल है ना जिसमें हर कोई, जरूरी नहीं है कि बड़े सपने लेके पैदा हो रहा है, हर किसी को दुनिया नहीं जीतनी है। लोग एवरेज सपने लेके पैदा होते हैं, उनको एक छोटी सी नौकरी मिल जाए ना तो उसमें भी खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक बड़े सपने को लेके पैदा हुए हो ना कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ लेगेसी छोड़ के जानी है, तो यार ये एवरेज वाले काम मत करो। एवरेज होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप एवरेज सपने नहीं देखते हो ना तो एवरेज काम भी मत करो, समझ रहे हो। तो ये एवरेज लोगों की जिंदगी अगर आपको जीनी है तो ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपने लेके बैठे हुए हो ना वो देखना बंद कर दो। बिकॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपने जो देखता है ना वो ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करता, वो अपनी जिंदगी में हिलना चालू करता है, मेहनत करना चालू करता है और टाइम वेस्ट करना चालू नहीं करता, टाइम वेस्ट करना बंद करता है। सो मूव एंड वर्क हार्ड एंड स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम।